राम राम प्यारे साथियों, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नया नोटिस आया है ग्रुप सी भर्तियों को लेकर, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ा धमाका 1 जनवरी को होने वाला है साथियों। वेट नहीं हो रहा था कि आपको इतनी सूचना तो दे दी जाए कि 1 जनवरी को बड़ा धमाका होगा हमारे चैनल के ऊपर। वो गुड न्यूज़ आप देखना ना भूलें, 1 जनवरी का इंतज़ार करिएगा। और उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऐसा अभी तक हरियाणा में किसी भी चैनल के द्वारा नहीं किया गया है। ये बड़ा धमाका होने वाला है साथियों, ये युवाओं के लिए धमाका रहेगा। गुड न्यूज़ आप देखना ना भूलें। चलिए अब बात कर लेते हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जो ग्रुप सी भर्तियों का एग्ज़ाम होना है साथियों, उसको लेकर एक न्यूज आई है। ये नोटिस अभी अभी आया है साथियों, तुरंत आपके साथ शेयर किया जा रहा है। देख सकते हैं साथियों, जो ग्रुप सी भर्तियों के लिए अप्लाई किया गया था, बिना सीईटी वाली ग्रुप सी भर्तियों की बात करें साथियों, सीईटी का मुद्दा है वो अलग है, वो ग्रुप सी भर्तियां अलग हैं। ये गया है कि साइंटिफिक स्टाफ ग्रुप सी के लिए जो पद हैं इसमें 3, 4, 9 और 16 नंबर जो कैटेगरी हैं इनका एग्ज़ाम 31/12/2022 यानी कि कल ही होना है, और बची हुई ये कैटेगरी इनका एग्ज़ाम 1 जनवरी को होगा। तो इससे रिलेटेड साथियों ये न्यूज़ आई है कि इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। 4 ऑप्शन आपको एग्ज़ाम में दिए जाएंगे जिसमें से आपको एक ऑप्शन ज़रूर भरना है साथियों, एक ऑप्शन आपको भरना है। अगर आप ऑप्शन खाली छोड़ते हैं यानी कि कोई भी गोला अगर आप नहीं भरते हैं तो आपके 0.95 नंबर है वो काट लिए जाएंगे, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करते हैं तो। 100 क्वेश्चन आएंगे साथियों, एक क्वेश्चन 0.95 का रहेगा, 5 मिनट आपको एक्स्ट्रा दी जाएंगी यानी कि एग्ज़ाम में आपको टोटल 105 मिनट दी जाएंगी। 100 क्वेश्चन रहेंगे और 105 मिनट का समय आपको दिया जाएगा साथियों। ये इंस्ट्रक्शन आप ज़रूर पढ़ लें, आपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिया होगा, एडमिट कार्ड के ऊपर भी आप इंस्ट्रक्शन ज़रूर पढ़ लें। इसमें ये अभी अभी नोटिस जारी किया गया है, डेट देख सकते हैं। इसमें महत्वपूर्ण बात तो यह है साथियों कि 4 ही ऑप्शन दिए जाएंगे, क्योंकि सीईटी में 5 ऑप्शन दिए गए थे, इसमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, 4 में से आपको एक ऑप्शन ज़रूर भरना है। अगर आप ऑप्शन को खाली छोड़कर आते हो तो आपके नंबर हैं वो कटेंगे, यानी कि नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है इसमें, लेकिन सिर्फ और सिर्फ गोला अगर आप नहीं भरते हैं तब आपके नंबर कटेंगे, अगर आप गलत क्वेश्चन करके आते हैं तो आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, ये इसमें बताया गया। क्योंकि सीईटी में 5 ऑप्शन आए थे और उसमें ये था कि अगर आप 5वां ऑप्शन भरते हैं तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे, यानी कि आपने क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया तो आपको 5वां ऑप्शन भरना है, और अगर आपने 5 में से कोई ऑप्शन नहीं किया तो वो आपके नंबर कटने थे, लेकिन आपकी बार 4 ऑप्शन आ रहे हैं। तो ये बदलाव किया गया, इसलिए नोटिस जारी किया गया है। नोटिस आया तो आप तक जानकारी शेयर करने के लिए हमारा चैनल सबसे पहले जाना जाता है, सबसे पहले आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाई गई है। ऐसे ही और अपडेट साथियों आएंगे सीईटी रिजल्ट से रिलेटेड या जो सीईटी से रिलेटेड ग्रुप सी भर्तियाँ होनी है तो वो भी तुरंत आपके साथ शेयर किए जाएंगी। ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए चैनल के साथ बने रहें। अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।